मिल गए अशोक, क्या आप देंगे इस वक्त की जानकारी? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें जयदीप सियानी जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। श्री गंगानगर विधानसभा के सभी लोग उनका यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको न्यूज 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसे निरीक्षण कर रहे हैं, क्या उम्मीद थी पहली लिस्ट में पहला नाम? ये क्रम वाइज नाम आए, ठीक है, तो गंगानगर विधानसभा दो नंबर पर है तो उस हिसाब से नाम आए। समर्थक काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि होली गुलाल खेली जा रही है, कितना उत्साहित हैं आप अपनी जीत को लेकर? न्यूनतम 50% वोट गंगानगर की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल के पक्ष में वोट करेगी। टिकट के लिए आप अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, अब आप चुनावी मैदान में आ चुके हैं, आचार संहिता भी लग चुकी है, क्या आपके मेजर स्टेप्स होंगे कि आप अपने पक्ष में मतदान करवा सकेंगे? आप गंगानगर में काफी लंबे समय से रह रहे हैं और गंगानगर सबसे बड़ी जो गंगानगर में समस्या है वो नशा, अराजकता, गुंडागर्दी और असामाजिक तत्वों का बोलबाला, यहाँ तक कि महिलाएं जरा सा दिन ढलने के बाद भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर रही। तो मैं पहले भी इस बात का वादा कर चुका हूँ कि पहला कार्य, एक बात मैं आपको फिर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की गंगानगर जीत में कोई भी अतिशोक्ति नहीं। जो पहला काम होगा वो इस अराजक माहौल, असुरक्षा के माहौल से गंगानगर को मुक्ति दिलाना है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, सड़कें काली करवाना, नालियां बनवाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, जिले भी तो बने, कोई भी करवा सकता है यदि उसका मनोबल मजबूत है, ऊपर तक उसकी पहुँच है और वो ऊपर से पैसा लाता है, लेकिन जो असुरक्षा का माहौल बच्चों में, महिलाओं में, व्यापारियों में, औरतों और माता पिता में। स्टूडियो से सवाल आ रहा है कि राजस्थान के अंदर 19 और प्लस 3 22 नए जिले बने हैं, इन चीजों को आप कैसे फेस कर पाओगे? एक राजस्थान सरकार के फेवर में, यानी यू कहें कि कांग्रेस के फेवर में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिलों को लेकर। जिस तरह से गहलोत साहब ये सौगातों के नाम पर बंदरबांट कर रहे हैं, उसी तरीके से जिले के नाम पर बंदरबांट कर दी। आज आप ये देखिए, अनूपगढ़ और सूरतगढ़, इन दो जिले के लोगों को आपस में लड़ा दिया, तो ये आप जिलों की घोषणा मान रहे हैं या आपसे द्वंद्व की बात कर रहे हैं? तो मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता, ये तो आपस में लोगों में सामंजस्य बिगाड़ने वाला काम किया है। यदि सोच समझकर जिस स्थान को जिले की आवश्यकता थी वहां पर यदि जिला बनाया जाता तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन ऐसे बंदरबांट करने से कोई वोट नहीं मिलने वाले। कहना चाह रहे हैं कि जिले बनने के नाम पर जहां कांग्रेस वोट की उम्मीद कर रही थी वहां से उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा? बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ेगा। आप एक बात आप स्पष्ट मानिए, राजस्थान सरकार के कुशासन से सारा राजस्थान, सारी जनता परेशान है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की लहर चल रही है और भाजपा की सरकार एकदम धड़ल्ले से बनेगी। अच्छा, एक सवाल और लूंगा मैं आपसे बयानी से, आप बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, हालांकि हमें संगठन के बहुत कम ही लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आपके जो कॉम्पिटिटर थे जो आपके साथ साथ टिकट की मांग कर रहे थे, उनका मैनेज करना, उनको अपने साथ लेके चलना आपके लिए कितना बड़ा टास्क होगा? देखिए, टिकट मांगना हर आदमी का अपना काम, टिकट मांगने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन जब टिकट का वितरण हो जाता है तो उसके बाद कुछ घंटों के लिए एक निराशा का माहौल मन में आता है, लेकिन उसके बाद जो पार्टी का कर्मठ कार्य करता है वो पार्टी के लिए सदैव समर्पित रहता है, तो उसका समर्पण पार्टी के लिए रहेगा। रही बात, आपको राजीव जी शर्मा ने आपको जवाब दिया है कि मंडल के लोग भी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो आप थोड़ा सा क्या भीड़ में पता नहीं लगता भी कौन कहाँ खड़ा है, तो इसलिए मंडल को तो जितनी ज्यादा खुशी होगी उतनी ज्यादा किसी को भी नहीं हो सकती। आप दावा कर रहे हैं कि संगठन के साथ साथ यहाँ के 50% मतदाता आपके फेवर में, यानी कि आप अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं? आश्वासन एक अलग बात, दृढ़ इच्छा शक्ति ये अलग बात है। गंगानगर की जनता का जो झुकाव है, जो बहाव है, वो कमल के फूल के साथ है और 50% के साथ मैंने न्यूनतम शब्द इस्तेमाल किया है। गंगानगर का भारतीय जनता पार्टी बीकानेर संभाग के 24 के 24 विधानसभा क्षेत्रों का इतिहास बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पीछे आप देख रहे हैं जयदीप सियानी को।
बिल्कुल अशोक, और पहली चुनौती किसी भी दावेदार के लिए यही होता है कि टिकट पाना रविंदर, और वो पहली चुनौती बियानी जी ने पार कर ली है, अब उनके सामने जीतना। जश्न भी उसी अंदाज में देखने को मिल रहा है। ये देखिए बीजेपी की जो पहली लिस्ट है, एक एक करके सारे नाम स्क्रॉल होते जा रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं। अब देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव, बीजेपी की पहली लिस्ट राजस्थान के लिए ये जो जारी हुई है, देखिए एक एक करके सारे नाम यहां पर आ रहे हैं। तिजारा से लेकर पूरा नीचे जितने भी 41 विधानसभा सीटों के ये नाम घोषित हुए हैं, और कहा अभी तक यही जा रहा है, अगर इन सूचियों का आकलन किया जा रहा है तो सी और डी कैटेगरी, यानी वो सीटें जहां पर बीजेपी लगातार हारती रही है या फिर बीजेपी पिछले चुनाव में हारी है, तो उस पर बीजेपी की तरफ से उन सीटों के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है। हिम्मत बिल्कुल, कई जो सांसदों को पहली लिस्ट में उतार करके, 7 सांसदों को पहली लिस्ट में उतार करके बीजेपी ने चौंकाया भी है। तो साथ ही साथ जैसा गुजरात चुनाव की एक स्ट्रेटेजी थी कि तमाम ऐसी सीटें जहां पर कहीं ना कहीं कोई खतरा हो जीत को, वो तो सारे घर के बदल डालेंगे वाले स्टाइल में हुआ था, बदल दीजिए, तो वो चेहरे बदल गए हैं। और श्रवण चौधरी का जिक्र कर रहे थे फतेहपुर से, जो भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले बीजेपी में आए थे और कोचिंग संचालक भी हैं, उनको यहां पर उतारा गया है। एक रिटायर्ड IAS जो अभी हाल ही में ज्वाइन किए थे उनको यहां पर उतारा गया है। महिलाओं को भी टिकट दिया गया है, सुजानगढ़ की सीट पर खेमाराम मेघवाल जो कि मास्टर भवनलाल मेघवाल के सामने चुनाव लड़ते थे उनको बदला गया है। हालांकि अब मास्टर भवनलाल मेघवाल तो नहीं रहे, उनके बेटे वहां से मौजूदा दौर में विधायक हैं। सौरभ का रुख कर लेते हैं, सौरभ ये जिक्र चल रहा था लेकिन जयपुर में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है सौरभ, चाहे वो नरपत सिंह राजवी की सीट की बात करें या फिर राजपाल सिंह शेखावत की बात करें, दो महत्वपूर्ण चेहरे भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि यूं नहीं कह सकते कि उनका टिकट कट गया, हो सकता है कि उन्हें कहीं और से भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है, इस तरह की संभावनाएं उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन फिर भी इसे कैसे देखा जाए। जी बिल्कुल, देखिए राजपाल सिंह शेखावत की बात करें तो उन्हें जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खेमे का जो है वो माना जाता है, और वो लगातार कई समय से जो है वो झोटवाड़ा से ही लड़ते आए, इस लिहाज से ये संभावना अब कम बनती है कि उन्हें कहीं और जो है वो शिफ्ट जो है वो किया जा सकता है। नरपत सिंह राजवी की बात जिस प्रकार से, क्योंकि उस वो जो विद्याधर नगर का जो क्षेत्र है वो राजपूत वोटों का एक तरह से गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लालचंद कटारिया, क्योंकि उनकी इस प्रकार की छवि है कि वो लगातार वहां से जीतते आए, और नरपत सिंह राजवी अब चूंकि इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो इस वक्त तो यह माना जा सकता है कि उनका टिकट जो है वो कटा है। अब आगे पार्टी उनको कहां समायोजित करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उनका टिकट कटा है और इस कारण से कटा है क्योंकि माना जाता है विद्याधर नगर के लोग और पार्टी के सर्वे में जिस प्रकार की बात आई वो लोगों से कनेक्ट जो है वो नहीं होते थे। राजपूत समाज के लिहाज से उनको वोट जरूर मिल जाते थे लेकिन वो लोगों से उस प्रकार कनेक्शन जो होना चाहिए एक विधायक का, उस प्रकार का उनका कनेक्शन नहीं रहता था, इस लिहाज से जो है वो उनकी टिकट जो है वो इसी के साथ सप्लीमेंट्री सवाल ये लेना चाह रहा हूं कि पार्टी ने साफ तौर पर यह भी तो रणनीति बनाई होगी कि जिसका टिकट कट रहा है या फिर जिसने अपेक्षा रखी थी कि उसे टिकट मिलेगा, उसने अप्लाई किया था, उसकी नाराजगी को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना होगा, या सख्त संदेश दे दिया जाएगा कि कहीं से भी किसी तरह की कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी। देखिए सख्त संदेश तो आप पीएम मोदी की सभाओं में साफ तौर पर दे दिया गया था और पीएम मोदी की तरफ से दिया गया था कि पार्टी इस बार ये भूल जाए कि कोई भी चेहरा होगा इस बार कमल का